से लॉकडाउन का न्यूज सुना है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया बिकॉज वेलकम बैक एंड आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। तो आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। मेरा डे अभी ग्रेट नहीं हुआ है। सो मैंने जब से लॉकडाउन का न्यूज सुना है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया बिकॉज मेरे को पता नहीं है कि जिम बंद है कि चालू है। एज पर गाइडलाइंस तो जिम्स क्लोज होने चाहिए, बट आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई फ्रॉम माई ऑफिशियल जिम। प्रॉब्लम ऐसा है कि जो भी मेरे प्रोग्रेस ओवरलोड किया था इतने दो महीनों में, वो मेरा पूरा चले जाएगा एक दो हफ्ते के अंदर अंदर, एंड मेरे को वापस शुरू से शुरू करना पड़ेगा। जो स्ट्रेंथ मैंने गेन की है इतने दो महीनों में, वो उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। एंड जहाँ तक मेरे को लग रहा है, जिम शायद से चालू रहेंगे मंडे टू फ्राइडे तक, एंड उसके बाद जो नाइट कर्फ्यू का अनाउंसमेंट है, लाइक वीकेंड एंड नाइट कर्फ्यू जो दोनों होने वाला है, वो चालू रहेगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मेरे को खुद को पता नहीं है। चालू कर दी है क्योंकि मैं मिनी कटिंग कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी बॉडी पे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। सो अभी बॉडी को एक वापस शॉक स्टेट में डालना है, एंड वो मैं वापस एक वीक के लिए फॉलो करूंगा, एंड लेट्स सी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी फिलहाल तो मैं अपने बाल कटवाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन होने से पहले मैं सोचा कि बाल काट के आ जाते हैं। नाउ यू नेवर नो कि ये कितने दिन के लिए चलने वाला है, बट पीपल ओवर हियर डोंट नो कि लॉकडाउन एग्जैक्टली कब से है, बिकॉज व्हेन आई आस्क्ड देम तो दे टोल्ड कि अभी तक ऑफिशियली उसको भी नहीं मालूम पड़ा है कि लॉकडाउन कब से होने वाला है। बेसिकली इट इज़ फ्रॉम फ्राइडे और इट इज़ फ्रॉम टूडे। अभी देखते हैं, कल तक शायद से सब क्लियर हो जाएगा। जितने भी कॉफ़ी पाउडर घर पे थी वो ख़त्म हो गई थी, मैंने ओट्स में डाल डाल के ख़त्म कर दी थी सारी कॉफ़ी पाउडर लिटरली। तो या इट इज़ काइंड ऑफ अ रीस्टॉकिंग। तो अभी जो मैं मिनी कट कर रहा हूँ उसमें मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। आई हैव लॉस्ट लाइक 1 or 1.5 kgs इन 15 डेज, और मेरे को अभी उसको और थोड़ा स्ट्रिक्ट करने के लिए आई एम डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्योंकि जब भी आप सोके उठते हो, आपका जो वेट लॉस होने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, उसको एक बूस्ट मिल जाता है बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी मेरे को वेट लॉस नहीं करना है, मेरे को एक्चुअली करना है मेरा फैट लॉस, एंड फैट लॉस के टाइम पे मेरा मसल लॉस होना बहुत ही नॉर्मल है। सो आई नो दैट थिंग अबाउट इट, बट ये प्रोसेस वाकई में बहुत ज़्यादा स्लो है। एंड अगले ब्लॉग में मैं आपको एक फिजिक अपडेट दूंगा, जिसमें मेरे 15 डेज पहले का एंड अभी का फिजिक कंपेयर करूंगा एंड कोविड। तो बेसिकली मैं अभी ये बुक रीड कर रहा था एक 4-5 दिन पहले, थिंक लाइक अ मॉन्क, एंड ये बुक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें जो कंटेंट है बुक के अंदर का, इट इज़ बेसिकली अ सेल्फ हेल्प बुक जो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है, लाइक प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग, वॉट अदर पीपल थिंक अबाउट अस एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है कि जब भी आपका जो पैशन होता है, इफ़ दैट पैशन यू कैन ब्रिंग टू योर ओन वर्क, दैट पैशन विल चेंज योर होल लाइफ। मतलब अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, आपको वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा करनी है, बट यू कैन नॉट सैक्रीफाइस योर वर्क लाइफ फॉर दैट, बट यू कैन नॉट सैक्रीफाइस योर गोल्स फॉर दैट, देन देयर इज एन ऑलवेज अ वे टू ब्रिंग योर पैशन इनटू योर वर्क एंड ब्लेंड दैट टुगेदर, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इट विल बी ब्यूटिफुल। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँ, लेकिन ये ब्लॉग बहुत ही लंबा बन जाएगा उसकी वजह से, बट या ट्रस्ट मी, गिव इट अ रीड। आप एक बार इसको रीड करोगे, यू विल लव दिस बुक। इफ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जुड़वा भाई जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एंड दिस इज 8 एग वाइट्स। अभी इसमें मैं चिकन मिक्स करूंगा, लेकिन उसके पहले इसको श्रेड करना पड़ेगा। इंतजाम हो चुका है सम गुड क्वालिटी प्रोटीन, व्हाइट्स एंड चिकन। अभी मैं लूंगा थोड़े से कार्ब्स, एंड आई विल टेक देम फ्रॉम ओट्स, सो आई एम गोइंग टू मेक अ ओट मील।
मैंने इसमें सिर्फ ओट्स रख दिए एंड इसकी कंसिस्टेंसी देखते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगा मैं, क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा वाटरी नहीं करने का, ये बहुत ही गंदा लगेगा फिर, तो इसलिए मैं इसमें बहुत ही कम पानी डालता हूँ। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है, ये एक्चुअली निकलते समय टूट गया, बट इसका जो एंड रिजल्ट है वो मेरे पेट में ही जाने वाला है, जहाँ पे ओटमील भी रेडी हो चुका है। सो आई फाइंड दिस एंड सी यू इन सम टाइम। तो भी अनफॉर्चुनेटली मेरे को ट्रेनर का मैसेज आया जिम से, ही सेड कि जिम्स बंद हो चुके हैं एंड दिस इज रियली सैड यार। अभी वो जो प्रोग्रेस ओवरलोड की मैं बात कर रहा था वो अभी मेरा पूरा चले जाएगा अगर एक दो हफ्ते से ज़्यादा जिम बंद रहते हैं तो। आई गेस ये 31 अप्रैल तक तो बंद ही रहने वाला है, तो आज से घर पे वर्कआउट करना पड़ेगा। और आज मेरा पुश डे है, बेसिकली आई विल डू चेस्ट ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स, सो यू विल सी ऑल द एक्सरसाइज आई एम डूइंग एवरी डे। सो तो अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो फॉर द एल्गोरिथम। सो जस्ट खत्म हुआ है एंड इट वॉज नॉट सो गुड वर्कआउट, लेकिन आदत लग जाएगी धीरे धीरे। सो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहेगा गिव इट अ लाइक, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना है तो करो, वरना मत करो, लेकिन करके जरूर आना। अंटिल देन स्टे फिट एंड स्टे मोटिवेटेड, दिस इज अश्काशित साइन ऑफ। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी